कैसे हो सब भाई? बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ ड्राइवर भाइयों के लिए। जितने भी ड्राइवर हैं वो मेरी पूरी वीडियो देखें, ठीक है? तो सभी भाइयों के लिए सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, राम राम और नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है? जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं सभी भाइयों के लिए मैं स्पेशल बात है मेरी, अगर गलत कह रहा हूँ तो माफ़ करना, और मगर मैं अपने दिल की बात जो वो कहना चाह रहा हूँ जो ड्राइवरों के साथ होती है, ठीक है? सबसे पहले तो गुंडे देखो ड्राइवर के पीछे रहते हैं, ठीक है? दूसरी बात चोर, तीसरी बात मंचा जो गाली दे के चला जाता है ड्राइवर को, मंचा अगर हल्की सी भी साइड दबगी किसी की तो मारने खड़ा हो जाता है। वह के बाद में कोई छोटी गाड़ी वाला है तो वो नहीं उतारेगा रोड से, ट्रक वाले को बोलेगा कि तू उतार नीचे, और जबकि ट्रक रोड पर रहना चाहिए कि बड़ा वाहन है, बड़ा साधन है, मतलब कहीं फंस जाए, पलट जाए, बैठ जाए, टायर बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, तो छोटी गाड़ी साइड में हो सकती है, उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो। और मंचा जहाँ पे आरटीओ रुकवा लेते हैं वो पीछे पड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, डंडा लाठी चार्ज। चलो अच्छी बात है, रुकवाना चाहिए, चेक करना चाहिए, कोई बात नहीं है, पर मारपीट नहीं होनी चाहिए यार ड्राइवरों के साथ। तो ड्राइवर भाई बहुत परेशानी झेलते हैं बेचारे, कहीं खाते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं रहते हैं, कहा तो जंगलों में कंपनियां गोडाउन है, वहां पे चले गए, खाना की सुविधा नहीं, चाय की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, लेटने की सुविधा नहीं, बैठने की सुविधा नहीं, उस ट्रक में ही रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में बैठते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में पीते हैं। बहुत बुरी परेशानी है। और गाइस उनकी सैलरी कितनी होती है? 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। लास्ट कितना कमा लेगा ड्राइवर बेचारा? 20,000 लास्ट, बहुत मुश्किल से। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ड्राइवरों को मत सताया करो प्लीज़ भाई, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। मुझे जो ड्राइवर मिलते हैं ना मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ड्राइवर भाई, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपने मकान दुकानों को छोड़कर ऑल इंडिया घूमते हैं, किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। एक बार सोच के देखो यार कि किसके लिए घूमते हैं, एक बार सोचोगे ना आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए, हमारे लिए घूमते हैं या अपने लिए घूमते हैं। इनकी तो सिर्फ रोजी रोटी चलती है उससे, घूमते हमारे लिए हैं। कोई कपड़े लेकर आ, कोई चावल लेकर आ, कोई आटा लेकर आ, कोई चाय पत्ती लेकर आ रहा है, कोई चीनी लेकर आ, कोई तेल लेकर आ रहा है। तो गाइस अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि ये गलत कहा है, अगर कोई भी बात मैंने गलत कही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ करना, मगर जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने निकाली है। तो प्लीज़ अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरे सामने दो ट्रक खड़े हैं, ठीक है? ये दो ट्रक खड़े हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो कोई घर है, सिर्फ कंपनी आए, ये देख सकते हैं कहीं पे भी घर नहीं है, यहाँ पे ये कंपनी बन रही है, यहाँ पे ये जंगल सब प्लॉट पड़ा खाली, और इधर ये कंपनी है गाइज, और लास्ट तक वहाँ तक कंपनी है। अब इनके लिए बेचारों के लिए ये खोके पोके लगे रहते हैं चाय का, इन पर चाय पानी पी लेते हैं बस। तो ये दो ट्रक खड़े हैं ये आप लोगों ने देख लिए, और यहाँ पर आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ भी कोई दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान बन रही है एक, शायद समोचे ब्रेड की है। तो
तो और कोई दुकान नहीं है यहाँ पर, देख सकते हैं होटल वगैरह कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने ये देख लिया, तो ये मुसीबत होती है, परेशानी होती है ड्राइवरों को बेचारे, कहीं कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता, कोई ट्रक पलट जाता है, कोई गिर जाता है, कोई को बेचारे को मतलब बहुत ही मुश्किल है। किसी के तो बेचारे की यो ही पता नहीं चला है कि परिवार वालों को कहाँ गया, कहाँ रह गया, कहाँ हो गया, के मर रहा है कि जिंदा है कि कहीं। तो गाइस बहुत परेशान होते हैं ड्राइवर बेचारे, तो इनको मत सताया करो प्लीज, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इनकी रिस्पेक्ट कर करो, ये भी हमारे फौजी भाई हैं समझ लो, जैसे हमारे फौजी भाई देश की रक्षा करते हैं ना, तो ये भी हमारी एक वजह, दिमाग लगाओ सोचो, ये भी हमारी रक्षा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए खाने के लिए उधर ले जा रहे हैं, उधर वो चीज़ नहीं है तो उधर जो हमारे लिए इधर चीज़ नहीं है उधर से वो ला रहे हैं। तो एक बार सोच कर देखो प्लीज़, इनको मत सताया करो, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। तो यही वीडियो थी मेरी आज जो मेरी दिल की थी, तो प्लीज़ इनको मत सताया करो, बार बार कह रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई दिक्कत नहीं है मत करो, आप ये बोलोगे फिर सब्सक्राइबर के लिए इसने वीडियो बनाई है, वो दिक्कत ना मत करना, मगर शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को, ताकि हर आदमी को पता चल सके, और जिसको पसंद आएगी वो तो सब्सक्राइब कर लेगा, और कमेंट करके बताना जौन सी बात मैंने गलत कही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरे दिल की बात थी। थैंक यू।